कुदरत से कौन जीत पाया है, कभी बाढ़ तो कभी तूफान तो कभी भूकंप। आज भी लगातार बैक टू बैक भूकंप के तीन झटकों ने दिल्ली समेत कई राज्यों को दहला दिया। भूकंप कब आएगा, कितना तेज आएगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है और ना ही भूकंप को हम रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दिमाग से काम ले तो भूकंप से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तुर्की और मोरक्को में भूकंप ने कैसे तबाही मचाई थी, इसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर आप भूकंप की तबाही से खुद भी बच सकते हैं और साथ ही अपनों को भी बचा सकते हैं। भूकंप का झटका महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। लेकिन अगर गली काफी संकरी हो और दोनों ही ओर बहुमंजिला इमारतें बनी हो तो बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं, तब घर में ही सेफ जगह खोजे और वहीं पर है। अगर घर से बाहर निकलने में काफी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाए। सिर के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों को पहले से बचाने की कोशिश करें। घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ पौधों पर ना चढ़ें या उसके नीचे ना खड़े हों। भूकंप का झटका महसूस होते ही टीवी, फ्रिज जैसे बिजली के सारे उपकरणों को प्लग से निकाल दें। एक बार बहुत तेज भूकंप आने के बाद कुछ घंटों तक आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, इनसे बचने का इंतजाम पहले ही कर लें। आफ्टर शॉक्स आने की कोई तय समय नहीं होता, इसलिए अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कई बार बड़ी बिल्डिंग में रहने वाले लोग लिफ्ट का इस्तेमाल कर नीचे आते हैं, लेकिन भूकंप आने पर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। तो ये है कुछ उपाय जो भूकंप जैसी बड़ी आपदा में आपकी जान बचा सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहें, अपनों का ध्यान रखें और अपना भी खूब ख्याल रखें। और साथ ही ऐसी जानकारी भरी वीडियोज के लिए, भूकंप पर तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।